अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम लोग करने लगे हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन, और हम इसे पहले समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डेटा इनपुट इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बल्कि जैसे आप स्विच बोर्ड देखें, यानी ये सारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक से निकला है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच प्रोसेस जो कि अमल में लाती है रॉ डेटा यानी हार्म डेटा को इनपुट इनटू इंफॉर्मेशन, यानी इनपुट लेना इनटू कन्वर्ट करती है इसमें इंफॉर्मेशन में, मालूमात में। अब पहले हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो बेसिकली डेटा जो होता है वो किस चीज़ का कलेक्शन होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी इसमें जो है वो फैक्ट्स भी होते हैं फिगर्स भी होते हैं। आप जब इसमें से काम की चीज़ें निकाल देते हैं डेटा में से, तो वो हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन। तो हम इसे कहेंगे द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, नहीं, द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, यानी काम की मालूमात कहलाती है इंफॉर्मेशन, जिसमें काम की मौजूद हो और काम की मौजूद ना हो, मतलब दोनों मौजूद हो, वो होता है डेटा। जब इसमें से हम लोग काम का डेटा निकाल लेते हैं वो हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन। अब ये था प्रोसेस बीच में, अभी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस होता है अमल। जैसे हमने एक कंप्यूटर को एक टास्क दिया 2+2, तो कंप्यूटर को हमने टास्क दिया है कि वो हमें इसे जमा करके दे। तो ये जो उसके दिमाग में चल रहा है कंप्यूटर के कि इसे किस तरीके से प्रोसेस करना है और इसका हमने आंसर देना है, तो वो जब ये सोच विचार के कि मतलब इसका क्या आंसर आना है, वो ये जो अमल होता है ये कहलाता है प्रोसेस। और फिर जो आउटपुट है वो क्या होती है, जो हमें जवाब मिलता है, जो उसने सोच लिया होता है सारा कुछ कि अब क्या आंसर आना है इसका, वो होती है आउटपुट। अब जैसे 2+2 इसने सोचा कि 2+2 जमा किया इसने, तो हम इसने आंसर दिए इसका 4, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है जिसे हम कहते हैं आउटपुट। आपको समझ आई होगी, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।